नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। मैं अभी हावड़ा में 15 नंबर वार्ड के पानी टंकी जगह में आया हूं। यहां पर जो यहां के नवनिर्वाचित विधायक गौतम चौधरी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, ऑक्सीजन हब खोला गया है जो आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये ऑक्सीजन हब जो अभी कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखते हुए यह एक कार्यक्रम किया गया है जो बहुत ही सराहनीय कार्य है आम लोगों के लिए, क्योंकि इसकी बहुत खास ही ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हज़ारों पेशेंट लोग प्रतिदिन सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ऐसे हालात में हावड़ा में विधायक के द्वारा, गौतम चौधरी के द्वारा ये करना बहुत उनके सराहनीय काम है। नॉर्थ हावड़ा के MLA गौतम चौधरी के साथ मंत्री अरूप राय ने वार्ड नंबर 15 में पानी टंकी के TCPC मुख्यालय में ऑक्सीजन हब का उद्घाटन किया। यह उनका प्रयास काफ़ी सही माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और उनमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रतिदिन लगभग हज़ारों लोग मर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर नॉर्थ हावड़ा में इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। आए सुनते हैं इस मौके पर मंत्री अरूप राय, MLA गौतम चौधरी तथा यहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने अपना क्या क्या राय रखे। উদ্যোগে এবং কিছু মানুষের সহযোগিতা এখানে যেটা হয়েছে, এখানে 10টা বেডের একটা সেফ হোম হয়েছে। এখানে মানুষের যদি প্রয়োজন হয় অক্সিজেন পার্লার, এখানে এসে মানুষ অক্সিজেন নিতে পারে। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন এখানকার IRS-এর ডাক্তার এবং এখানকার স্থানীয় যারা ডাক্তার তারা আছেন এখানে, এবং লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতা আছে। সায়েন্স ক্লাব বেডের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছেন। এ সকলের সহযোগিতায় এই মহৎ কাজে আমাদের এখানকার যুবকেরা গৌতম চৌধুরীর নেতৃত্বে তারা উদ্যোগী হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে একটা হেল্পলাইনও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে মানুষ এখানে আসবেন, এখানে এসে তার অক্সিজেন নিতে পারবেন। এবং এই ধরনের পার্লার প্রত্যেকটা এলাকায় তারা যুবকেরা, যুব সমাজ তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে করছে, এবং সর্বক্ষেত্রেই একটা পজিটিভ মনোভাব নিয়ে এই সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমরা বিগত প্রায় 1 বছরের বেশি অধিক করোনা সংক্রমণের মধ্যে দিয়ে চলেছি, আবার দ্বিতীয় ঢেউ আমাদেরকে খুব খুব চিন্তার মধ্যে ফেলেছে, কিন্তু মানুষকে তো রক্ষা করতে হবে, মানুষের পাশে থাকতে হবে। সেই মানুষের পাশে থাকার উদ্দেশ্যে উত্তর হাওড়ায় জনপ্রতিনিধি যিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন কিছুদিন আগে, মানুষের আশীর্বাদে মানুষের সমর্থনে, সেই যে মানুষ যে বিশ্বাসযোগ্যতা রেখেছেন তার উপরে, সেই বিশ্বাসযোগ্যতা তারা তাতে দায়বদ্ধতা শুরু হয়েছে, তৈরি হয়েছে এবং দায়বদ্ধতা থেকে এটা করেছে। এবং এ শুধু এটা নয়, এর পরেও আরও উত্তর হাওড়াতে আরও এই ধরনের সেফ হোম রিসেন্টলি আর কবি খুলনা হয় কেউ আজ বালি লালবাগ কলেজ মে এক অক্সিজেন পার্লার খুলে গা আর আলো হো গিয়া সরকারি সরকার কে তরফ সে ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়াম আর আলো দো জায়গা মে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 50 বেড, আলো মে ভি 50 বেড। স্যার ইসকে আলাবা আর ক্যা ক্যা কদম উঠা রহে হ্যায়? জো লোগো কে লিয়ে জো করনা হ্যায় হাম করেঙ্গে। স্যার লোগো মে বহুত ডর বনা হুয়া, তো লোগো কো ক্যা বোলনা চাহেঙ্গে আপনে মাধ্যম সে, কিস প্রকার আপনে আপকো সংযম বনা কর রখে? नहीं, डर नहीं, सावधानी से रहिए, मास्क पहनिए, हाथ बार बार धोइए, खाने के पहले जरूर हाथ धोइए, और सावधानी से रहे, दूरी बनाए रखे लोगों के साथ, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना है और सावधानी से रहना है, मास्क पहनना है। सर अचानक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो प्राथमिक सुविधा के लिए कहाँ पर जाए, किसके पास जाए? मैंने हावड़ा हॉस्पिटल जाए, कहाँ पर जाए सर? हावड़ा नहीं, जो
जो इसका प्रॉब्लम होगा सीधा से सीधा हमें जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जनप्रतिनिधि है, MLA है, उसको फ़ोन कीजिएगा। फ़ोन करने के बाद साथ साथ बंदोबस्त होगा। सर एक प्रश्न और आपसे ये है कि अब वैक्सीनेशन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर, तभी लोग वैक्सीनेशन के लिए कहाँ पर जाए, किस सेंटर पर जाए, कोई गाइडलाइन बता पाएंगे सर? वैक्सीनेशन इसके बाद हम एक ऐप चालू करेगा, व्हाट्सएप में किसका वैक्सीन अभी तक नहीं लिया, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, उसको मैसेज करना है और उसको अप्लाई उसको रिप्लाई दिया जाएगा ये कहाँ उसको कब वो वैक्सीन मिलेगा। सर केंद्र सरकार से आप लोगों को वैक्सीन का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अभी? क्या केंद्र सरकार के तरफ से वैक्सीनेशन का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? केंद्र सरकार हमारा जो वैक्सीन का ज़रूरत है केंद्र सरकार नहीं देता है। हमारे चीफ मिनिस्टर बार बार लिखता है चिट्ठी, लेकिन वो तो हमको CBI ED ऐसा देकर हमें डिस्टर्ब करने का ख्याल में है। लोगों को ये जो कोरोना का सेकेंड ढेव, जो लोगों को साथ रहना है, लोगों के पास रहना है, लोगों को ऑक्सीजन देना है, लोगों को वैक्सीन देना है और दवा देना है, इंजेक्शन देना है, रेमडेसिविर देना है, ये सब ना करके उन्होंने CBI ED को लगा दिया। इलेक्शन में हार गया लोगों के विचार से, लेकिन अपना पावर CBI ED को देके हमारे ऊपर इस्तेमाल कर मानुष के बाँचाते एवं मानुषर जो भय से भयटा के दूरे सरिए रखार जन हमें एखे 10 बेडर एवं 10 अक्सिजें सह एखे भाप नेवार मेशिन एवं दुजन माने एकदम दक्ष नार्स एवं 4 अभिज्ञ डाक्तर के दिए हमें 24 घंटा परिसेवा चालू कर लाम उत्तर हावड़ा तथा हावड़ा मानुषर जन्य अक्सिजें हाब कौन कार दरकार होते पारे। अनेक नन कोविड हॉस्पिटल रही है सेखाने समस्त रोगी के ढुकते देवा है ना, जखन जा टेलीफोन मन है तक टेलीफोन करबे, एकटा टेलीफोनेर माध्यम दिए आमरा सेखाने भर्ती करे देब। एटा 24 घंटा परिचालना करबे दुजन नार्स एवं 4 दक्ष डाक्तार, সেই ডাক্তারকে দিয়ে আজকে থেকে আমরা এটা শুরু করব। আমি তো নিজে রয়েছি, আমি COMH এর সাথে কথা বলবো। স্যার হেল্পলাইন নম্বর আছে? হ্যাঁ হেল্পলাইন নম্বর আছে, জয়সওয়াল আছে, সত্যবালা আছে, নারায়ণা আছে, আমাদের ILS রয়েছে। আমরা COMH এর সাথে কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে আমরা শিফট করব এবং আমরা আগামী দিনে চিন্তা করব যাতে, কারণ দেখুন অক্সিজেনটা নিতে গেলে তো একদিনের সারাদিন লাগে না, যখন মনে হবে এক দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা তাদের জন্য যদি কিছু সামগ্রী খাবার দাবার লাগে সেটাও আমরা প্রয়োজন। আইয়ে মর কিছু লোকের সাথে বাত করতে হয় যে স্বপন দা ইহা কা বহুত কর্তা ধর্তা মানা যেতে হ্যাঁ উনসে পুছতে হম উনকা ক্যা রায় প্রোগ্রাম কে বারে মে। দেখিয়ে ইয়ে মমতা ব্যানার্জি জিস তরিকে সে পুরা পশ্চিম বঙ্গাল ই করোনা লেকে ইতনা সিরিয়াস হ্যায়, বঙ্গাল কি মুখ্যমন্ত্রী ইতনা সিরিয়াস হ্যায় কি কিস তরিকে সে আম আদমি কো মহামারী সে বচায়া যায়, তো উসি তরহ মমতা ব্যানার্জি হর ইলাকা মে হর বিধায়ক কে ইলাকা মে ই বোলা গিয়া থা কি আগর কোই অক্সিজেন কে লিয়ে জো প্রবলেম হো রা, ऑक्सीजन हॉट के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने राकेश सर हम मिल के गौतम चौधरी से बात की, हम लोगों ने राकेश बहुत मेहनत किया और हम लोग उसको कॉपरेट किया, इस जगह को हम लोग चुने क्या कि इस जगह इसी एरिया जगह है, इसको खुला जगह मिल रहा, लैट्रिन बाथरूम का कोई असुविधा नहीं है। तो गौतम चौधरी जो यहाँ का विधायक है, हम सबका विधायक भाईचारा माने इतना ऐसे विधायक है जो घर का विधायक है, वो पूरा खुला हम लोग को बोला कि तुम लोग जो मर्जी करो, आम आदमी को सेवा होना चाहिए। तो हम लोगों ने राकेश का माध्यम से और पूरा परिवार 15 नंबर वार्ड का पूरा परिवार मिल के हम लोगों का मेहनत करके आज इस नतीजा में पहुंचा कि हम लोग इस इलाका में जिस तरीके से महामारी हो रहा है इसको बचाने के लिए कुछ देर तक हम लोग अगर किसी का सेवा में काम आ गया पूरा TMC का परिवार 15 नंबर वार्ड, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। और बताइए इस तरह करके किस तरह लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं? ये तो आप देख ही रहे हैं कि महामारी यहाँ पे जो फैला हुआ है और हमारे 15 नंबर वार्ड के जो प्रेसिडेंट है सपन दे, उसका ग्रुप जो है राजेश जायसवाल, राकेश जायसवाल से लेके राजेश एला से लेके अली राजा से लेके बहुत से सब लोग परिवार जो हैं लोग एक साथ एकजुट हो के हम लोग जिस तरह से प्रेसिडेंट का सपोर्ट किया है
और जिस तरह से हम लोगों ने मिल के एक साथ कंधे से कंधा मिला के ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो इतना महामारी में कुछ आदमियों का सेवा सत्कार हो जाए, इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जिससे कि ये थोड़ा बहुत राहत है। आदरणीय हमारे MLA साहब का बहुत बड़ा सोर्स था कि जिसके कारण वो बोले कि नहीं, इसको करना है, हम लोग भी इन्हें सहयोग किया है और हम लोग को जहाँ तक है उन लोगों ने, गौतम चौधरी ने जो सहयोग किया है उसके द्वारा हम लोगों ने एक बुद्धि अपनाया है और अपना के मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ का प्रेसिडेंट को, सपन दे को, कि जो एक बुद्धि करके यहाँ पे लाया, जो यहाँ पे हिंदी भाषा भाषी इलाका है, लोग बहुत अनपढ़ आदमी लोगों को कुछ नहीं समझ पाते हैं लोग कि क्या क्या चीज़ है, ऑक्सीजन मिलने से हमको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो जना दिया गया। 15 नंबर वार्ड के जितने भी हमारे कर्मी लोग हैं, लोग तृणमूल कांग्रेस के, वो जना दिए हैं कि ऑक्सीजन के लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा और क्यों नहीं मिलेगा आपको, ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिखाया। बोल रहा हूँ कि ये जो बेड लगाए हैं ये प्रोग्राम कब से चालू करेंगे, मैं लोगों को कब से सूचित करेंगे? आज से ही स्टार्ट हो गया है, आज से ही चालू हो गया। सब लोग हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं, लोग हमारे सहयोगी लोग हैं, नर्स लोग हैं, सब ऑलरेडी स्टार्ट कर। टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग पूरा और 24 घंटा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहेगा। और हम लोग, आप लोग के, हमारे मोहल्ले वासियों को, 15 नंबर वार्ड के सभी, यानी पूरे नॉर्थ हबड़ा को हम लोगों ने समर्पित कर दिया है इसको कि आप लोग आइए और यहाँ पे कोई देख रेख, ये नहीं है कि आप दूसरे चीज़ है, दूसरा कलर है, आप दूसरा कलर है, वो बात नहीं है। यहाँ समाज सेवा के लिए हम लोग, आदमी का मान सम्मान बच सके, आदमी जिंदा रहे और भगवान का नाम लेते रहे, हम अपने परिवार के साथ खुशी रहे, इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं कि बार बार हम लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, ज़रूरतमंद को जो बीमार है कोरोना और बाकी बीमारियों से भी बहुत ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, उनको ऑक्सीजन बहुत ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। आज ये जो प्रयास हमारी टीम, सपंदा, राकेश जायसवाल, शंभू ओझा, बाकी सभी टीम मिल के जो प्रयास करके यहाँ पर ऑक्सीजन लाए हैं, ये पूरा 15 वार्ड का टीम जो है, ये एक तरह से उन लोगों के लिए है जो संग संग ऑक्सीजन का सुविधा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, संग संग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, उनको तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो यहाँ आके ऑक्सीजन और इनिशियल जो दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, उनसे वो ले सकते हैं और थोड़ा स्वस्थ होकर उसके बाद जब तक उनको दूसरी जगह व्यवस्था नहीं हो जाती वो यहाँ पर एक प्राथमिक चिकित्सा के हिसाब से वो लोग यहाँ से पास होते हैं। सर, आपने किस प्रकार इनका सहयोग किया है? लायंस क्लब बेसिकली पूरे वर्ल्ड में सेवा का काम करती है, यही संकल्प के हम लोग काम करते हैं। पूरे संसार में करीबन 14 लाख से ऊपर हमारे मेंबर हैं। कलकत्ता में और बंगाल में हम लोग अपनी अलग अलग शाखाओं के जरिए काम करते हैं। इस कोरोना की महामारी में जब से ये शुरू हुआ पिछले साल, तब से हम लोग इसमें लगातार लगे हुए हैं, हमारे मेंबर प्रतिबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। भरपूर हमने कोशिश की है अपनी तरफ से जो भी सेवा की जा सके, हमने लोगों को राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुक्ड फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, PPE किट, मेडिसिन वगैरह भी दिए हैं। अभी जो सेकेंड वेव चला है इसमें ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटल के बेड और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है इसकी तरफ हमारा ध्यान गया और हमने इसमें कोशिश की और इसी कोशिश के तहत हमने यहाँ पर आज ये एक ऑक्सीजन हब का इनॉग्रेशन किया है जिसमें आपको 10 बेड की सुविधाएं हैं। अरूप राय जी, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइन बताएं, बहुत सारे तरीका बताएं कि किस प्रकार यहाँ के ऑक्सीजन हब खोल के लोगों को सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ गौतम चौधरी थे, उन्होंने भी अपने तरफ से सारी बातें रखी लोगों के पास कि किस प्रकार के यहाँ का जो ऑक्सीजन हब खोला गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी सुविधा मिल सके और इसका